जय हिंद वंदे मातरम भाइयों भाइयों, मैं आज एसएससी जीडी का जो मेरिट के संबंध में थोड़ा कुछ बात बताऊंगा। इस बात बहुत जरूरी बात है, तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए और ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात बोलना चाहता हूँ भाइयों, आप लोग जो भी भाई ने सीआरपीएफ की पैरामेडिकल पोस्ट भरे हैं, फॉर्म भरे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट दीजिए किस किस पोस्ट में भरे हैं। तो उनके बारे में आप लोग, जो अभी तो फिजिकल इतना हार्ड नहीं है, आप लोग को बताया था 1600 मीटर 10 मिनट में कुछ में आराम से सब पास हो जाएगा, तो इसके बारे में जो क्या है, इसका जो रिटर्न क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चन पड़ेगा इसका। एक तो है ट्रेड का 50 मार्क और बाकी जो जीके मैथ रीजनिंग उसके बारे में तो बताया था, तो क्या क्या क्वेश्चन पड़ेगा उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूंगा। और इसीलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए किस में आप लोग ट्रेड में फॉर्म भरें, ठीक है, पैरामेडिकल का। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं जीडी के बारे में। दोस्तों, सारे भाइयों को मालूम है 85,000 लड़के जो मेरिट के लिए वेट कर रहे, और पोस्ट कितना है 62,000 कुछ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, जो पोस्ट जितना भी है अभी जो आपकी स्टेटों में, सारे स्टेटों में कई सारे अपना अपना, देखिए सबसे बड़ी ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, कई स्टेटों में बहुत सारे अलग अलग लड़के मेडिकल फिट हो रखे हैं। सपोज राजस्थान में 10,000 फिट हुए, कहीं 20,000 फिट हुए, कहीं 1,000 फिट हुए, कहीं 500 फिट हुए, कहीं 100, मतलब वैकेंसी के हिसाब से मेडिकल फिट हुए। उनमें से दोस्तों सपोज कई जगह में लड़के डॉक्यूमेंट उनका क्लियर नहीं है, ठीक है दोस्तों, जिसके पास डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, जो मतलब ज़्यादा जिस ग्राउंड में वो डॉक्यूमेंट को क्लियर करने में ना समर्थ रहेंगे, समझिए दोस्तों, जो भाइयों ने डॉक्यूमेंट क्लियर करने में ना समर्थ, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहे, उन लोगों को मेरिट से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जिसके वजह से उन लोगों का पोस्ट वैकेंट रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये मेरिट निकलने के बाद फिर ये डॉक्यूमेंट डिस्क्वालीफाई करना बहुत थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए पहले उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसमें किसको फायदा मिलेगा, जो भाई ने मार्क कम रखा है, सपोज एक लड़का ने 50 मार्क रखा है, तो एक 49 मार्क रखे, तो 50 मार्क वाला डॉक्यूमेंट के कारण डिस्क्वालीफाई होगा, तो उसको नंबर पड़ जाएगा 49 मार्क वाले, उसको नीचे वाले उनको नंबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे कई लड़कों का डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। तो दूसरा बात और एक है भाई, और एक बात बोलना चाहूँ, जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया है, इसमें जो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है दोस्तों, कुछ स्टेटों में एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट, यहाँ पे दोस्तों पोस्ट के हिसाब से लड़के कम फिट हुए हैं। कई कुछ स्टेटों में नक्सलाइट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, कुछ स्टेटों में पोस्ट के हिसाब से लड़के कम मेडिकल फिट हुए हैं, ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से उनका पोस्ट खाली पड़ा है। सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ, उड़ीसा की नक्सल डिस्ट्रिक्ट में एससी में लड़के बहुत ज़्यादा है और पोस्ट, मतलब पोस्ट ज़्यादा है, लड़के कम फिट हुए हैं, तो जिसके वजह से वो जो पोस्ट बच जाता है तो कहाँ जाएगा, वो जनरल डिस्ट्रिक्ट को नहीं जाएगा, वो बिल्कुल कोई अदर स्टेट का नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट को चला जाए, क्योंकि ये सिर्फ नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट में लड़कों को भर्ती कराने के लिए ये इनको रिजर्वेशन है, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। चलिए, ज़्यादातर याद रखिए एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट का जो है पोस्ट खाली पड़ा है नक्सलैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, खाली मतलब थोड़ा कम लड़के फिट हुए कुछ एक दो चार स्टेटों में। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, नक्सलाइट एरिया और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का जो लड़के आए ना, उन लोगों को मतलब कम मार्क है के भी बहुत सारे लड़के मेरिट में आने का बहुत चांस है, ठीक है दोस्तों। और अलग ये बात बोलना चाहता हूँ भाइयों, जिस भाई ने मतलब कम मार्क रखे, बिल्कुल टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, जब तक मेरिट निकलता नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक मेरिट आखिर लिस्ट नहीं निकलता है, क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई लिस्ट, तब तक आप लोग डरने का ज़रूरत नहीं कि कोई बोल रहा है ये होगा नहीं होगा, बिल्कुल किसी कोई भी बोल रहा है, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल भी बोल रहा है, तब तक बिल्कुल भरोसा नहीं करने का, ठीक है दोस्तों। और एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट में ये जो पोस्ट बढ़ रहा है, आप लोग सोच रहे हैं कैसे मतलब ये लड़कों का कॉम फिट है, देखिए दोस्तों कहीं एससी एसटी लड़कों ने ना मार्क ज़्यादा रख के जनरल डिस्ट्रिक्ट को चले गए, और मार्क उनको इतना भी ज़्यादा है जनरल कैटेगरी के अंदर उनका चले गए हैं, तो जिसके वजह से एससी एसटी का कैंडिडेट मतलब एससी एसटी का कैंडिडेट मतलब ये हो गया है, मतलब मार्क कम हो गया है, वो भी उतना मार्क भी रख नहीं पाए हैं कई लड़कों ने, जिसके वजह से इसी हिसाब से उतना लड़के फिट हो रहे हैं, और जितना लड़के कम हो गए उतना मेरिट बनने का चांस हो जाता है, और जितना लड़के ज़्यादा है तो मेरिट मार्क ज़्यादा जाने का चांस हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, ये जो कुछ स्टेटों हैं जहाँ पे मार्क ज़्यादा गया है, ठीक है, जहाँ पे मार्क ज़्यादा गए हैं, यूपी बिहार और यूके एंड दिल्ली हरियाणा राजस्थान, ये जैसे स्टेटों में ना ज़्यादा यार दोस्त मार्क ज़्यादा गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा
जो कैंडिडेट्स को थोड़ा सा टफ हो सकता है, इस स्टेट में बोल रहा हूँ, पहले से ही बोल रहा हूँ भाई इन लोगों का क्या टफ होगा, क्योंकि इन लोग का सबक देखिए ज़्यादा मार्क रखे हैं, जैसे 80 मार्क से ज़्यादा यदि कट ऑफ गया है भाई, 80 मार्क से ज़्यादा कट ऑफ गया तो इनका तो उससे थोड़ा थोड़ा कट ऑफ के पीछे रहेगा ना। तो फिर भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का मतलब होने का बहुत चांस है यदि ऐसे होगा, क्योंकि दूसरा बात ये है जो जनरल डिस्ट्रिक्ट और को जो लड़के हैं ना उनको थोड़ा फायदा बहुत कम है, बहुत कम एरिया में जो लड़के कॉम्पीट हुए, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में लगभग पोस्ट पूरा कवर है, ठीक है दोस्तों, लगभग स्टेटों में पूरा टोटल पोस्ट कवर है, बाकी जो नक्सलेट डिस्ट्रिक्ट और बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया में पूरा लड़के पूरा फिट नहीं है और थोड़ा उनके लिए पोस्ट भी बचा है। याद रखिए दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का धीरज बना के रखिए और आप वेट कीजिए फाइनल मेरिट लिस्ट को। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप लोग का कोई प्रॉब्लम है आप लोग इसी वीडियो के नीचे मेरा कमेंट दे सकते हैं, मैं आप लोग को कमेंट का आंसर दूंगा, ठीक है, फिर मिलेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम।